you all. Hope you all are fine and safe. So today our topic is vowels and consonants. So let's get started. So guys, there are 5 special letters in English alphabet. These are A, E, I, O, U. They are called vowels. So consonant is the letter except vowels are called consonants. So these are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Okay students, आपको vowels and consonants का concept तो clear हो चुका होगा. Vowels कितने होते हैं? 5 होते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं अगली क्लास में. A, E, I, O, U, 5 letters होते हैं जो क्या कहलाते हैं? Vowels होते हैं. अब हमने consonant में क्या करना है? Consonant में हमने जो vowels लेंगे है ना, vowels के अलावा जो जितने भी letters हैं वो सारे क्या आएंगे? Consonant कहलाते हैं. अब हम चले consonants को circle करते हैं. चलिए मेरे साथ circle करें. B, A को हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि A कहाँ पे आ रहा है? वोवल्स में आ रहा है. B नहीं आ रहा था, वो कॉन्सोनेंट है, तो हम उसको सर्कल कर देंगे. C को भी कर देंगे, जी हाँ. D को भी, वेरी गुड. और F को भी, G, H, N, G. I को हमने इसीलिए सर्कल नहीं किया क्योंकि I वोवल्स में आ रहा था. नेक्स्ट है K, L, M, N, O को भी इसीलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो भी वोवल्स में आ रहा है. P, Q, R, S, T, last one is U, V, W, X, Y, and C. तो ये सारे थे कॉन्सोनेंट्स. वोवल्स हमारे पास 5 हैं, उसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे हैं कॉन्सोनेंट्स. होप सो यू ऑल लर्न दिस लेसन. सी यू टुमारो. टेक केयर. बाय बाय.